हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं नई वीडियो। तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक है आईएल्ट्स पार्ट थ्री क्वेश्चंस। तो पहले टॉपिक पे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है रोबोट्स। तो पहला टॉपिक है रोबोट्स। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सवाल और जवाब आए थे ये अगस्त 2022 में। और एक और चीज़ याद करनी है कि पार्ट वन जो है वो 80% सर्च्ड होता है स्पीकिंग का, बट जो पार्ट थ्री है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इवन दो अगर वो 20% सर्च है, क्योंकि पार्ट थ्री आपका ज़्यादा वेटेज स्कोर का पार्ट थ्री ऑफ स्पीकिंग में आता है देन पार्ट वन एंड टू। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक सर्टन जॉब्स डन बाई ह्यूमंस विल बी रिप्लेस बाई रोबोट्स इन द फ्यूचर? डू यू थिंक सर्टन jobs done by humans will be replaced by robots? In the future. So, do you think certain jobs will be done by humans will be replaced by robots in the future? तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, yes, I think so, certain jobs will be replaced by robots in the future. और इसको फिर आप extend कर सकते हैं, फिर आप इसको extend करके 5 to 6 lines बोलते हैं। अभी हम next question पे जाते हैं, same topic. Next question है, is it a good thing that robots will do certain jobs instead of humans? Is it a good thing that robots will do certain jobs instead of humans? इंस्टेड ऑफ ह्यूमन्स। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप टू वेज दे सकते हैं। इसमें ये याद रखते हैं कि कोई आपने आंसर ऐसे नहीं देना कि उसका सीधा एक ही जवाब हो, आप डिफरेंट जवाब दे सकते हैं, और उसमें ऐसे आंसर भी हो सकता है डिसएग्री अग्री इन द सेम 5 to 6 सेंटेंसेस। तो आप डिसएग्री और अग्री दोनों कर सकते हैं 5 to 6 सेंटेंसेज में। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देर एनी जॉब्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय रोबोट्स? Are there any jobs that cannot be replaced by robots? तो इसमें आ गया आर्ट और क्रिएटिव जो भी आता है उसमें, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी आता है वो रोबोट्स नहीं कर सकते, जैसे आर्ट हो गया, साइकोलॉजी होगी, इवन टीचिंग रोबोट्स नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं जवाब जिसमें ये आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ये भी अगस्त 2022 में इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, तो हम तीन क्वेश्चंस अभी आपको बताएंगे जो इस टॉपिक पे आए थे। डू यू थिंक इन द फ्यूचर All cars will be automatic or autonomous? क्योंकि automatic का तो मतलब गियर वही है, तो आप लिखोगे will be autonomous, मतलब कि सेल्फ ड्राइविंग। तो autonomous, do you think in the future all cars will be autonomous and will not need a driver? तो आप लिखोगे कि आपके, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप को लगता है कि फ्यूचर में हम आगे चल जाएंगे, क्योंकि पहले तो लोग कहते थे फ्लाइंग कार्स भी आएंगे, तो अभी तक तो वो नहीं आई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी कार टाइप आएगा फ्यूचर में। तो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, आर देयर एनी एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ सेल्फ ड्राइविंग कार?
इसका जवाब होएगा कि एडवांटेजेस फॉर श्योर होंगे बट डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो आपने दोनों को कवर करना है इन 5 to 6 सेंटेंसेस. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. आर देयर एनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ड्राइवरलेस कार्स? सो इसमें आप कह सकते हो कि अगर ड्राइवर के बगैर गाड़ी हो तो फिर बहुत डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का नहीं पता कितनी दूर आ सकती है. तो आपने इसको एक्सटेंड करना है टू 5 to 6 सेंटेंसेस. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फेक न्यूज. फेक न्यूज, तो फेक न्यूज में अगले 3 आपको क्वेश्चन बताएंगे इसके बारे में, इस टॉपिक के ऊपर. हैज द वे वी गेट आवर न्यूज चेंज्ड इन द लास्ट 20 इयर्स? तो इसका आप सबसे पहले जवाब देंगे, एब्सोल्युटली इट हैज़ गॉन फ्रॉम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर टू ऑनलाइन प्रेजेंस. तो फिर आप इसको 5 to 6 लाइंस में एक्सटेंड करेंगे. तो आपने एब्सोल्युटली मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एब्सोल्युटली होता है बिल्कुल सही. तो आप एब्सोल्युटली येस के जगह आप यूज़ कर सकते हो एब्सोल्युटली के बिल्कुल, एक्सट्रीमली येस, इस तरह यूज़ कर सकते हो एक्सट्रीमली हाँ, तो उस सेंस में यूज़ कर सकता है. डू यू थिंक दैट एवरीथिंग वी रीड ऑनलाइन इज ट्रू? तो इसका होगा डेफिनेटली नॉट. डेफिनेटली येस भी हो सकता है बट इसमें होगा डेफिनेटली नॉट क्योंकि हर चीज़ ट्रू नहीं है. जिनकी सही साइट्स हैं जैसे हफिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं. बट जैसे आप फेसबुक और ट्विटर पे देखो तो वहाँ पे काफ़ी फेक न्यूज़ है. तो आप इसको फिर आपने एक्सटेंड करना है इस जवाब को 5 to 6 लाइन में. अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन समवन डिटरमिन इफ अ पीस ऑफ न्यूज़ इज फेक और नॉट? हाउ कैन समवन डिटरमिन इफ अ पीस ऑफ न्यूज इज फेक और नॉट? सबसे पहले तो आप जाओगे सोर्सेज में. अगर उसका सोर्स करेक्ट है जैसे हफिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, डेली मेल, तो इसका मतलब है कि वो सही है. अगर वो फेसबुक या ट्विटर पे है तो इसका मतलब है कि अगर वो सोर्स उसमें जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का फेसबुक पेज है जैसे टिक मार्क लगा हुआ है तो वो सही है. बट अगर कोई और फेक न्यूज़ की तरह है या द अनियन एक वो फेक न्यूज़ वेबसाइट है उसके थ्रू है तो इसका मतलब वो न्यूज़ फेक है. तो आपने इसको ऐसे समझाने लाइक आपने एग्जामिनर से बात करनी है इसके बारे में इन टू 5 to 6 मिनट्स. तो ये थे हमारे IELTS स्पीकिंग Part 3 के क्वेश्चंस. तो इसमें याद रखना है कि जो Part 3 के क्वेश्चंस होंगे ये बहुत इलेबरेट आपने करने होंगे. इनको आपने Part 1 के तरह और Part 2 के तरह शॉर्टन नहीं करने, इनको ज़्यादा बोलना है. तो जितना आप बोलेंगे उतना अच्छा होगा. और जितना आप इनफॉर्मल होंगे, कैंट, वोंट, आपने इनको कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ फुल कैन नॉट, वुड नॉट, विल नॉट. तो इससे पता चलेगा कि आप इनफॉर्मल हैं. जितना आप फॉर्मल होते हैं राइटिंग में उतना आप इनफॉर्मल हो स्पीकिंग में, तो उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा. तो इसके साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ वीडियो. अगर आपने हमसे रब्ता करना तो नीचे दिए हुए नंबर्स में कॉन्टैक्ट करें. और अल्लाह हाफिज़.